मेरी सभी आंगनबाड़ी बहनों को नमस्ते। तो बहनों लीजिए, मैं आप लोगों के लिए फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़रूरी और यूज़फुल वीडियो लेकर के। इसमें आप लोगों को मानदेय से जुड़ी बेहद ज़रूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस जानकारी को सुनने के बाद से हमारी कुछ आंगनबाड़ी बहनों का जो रिएक्शन है वो ऐसा होगा। और कुछ हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो कुछ राज्यों की हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किन राज्यों की ये बहनें हैं। तो उनको इस वीडियो को देखने के बाद से उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ हर वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और अच्छी अच्छी और यूज़फुल वीडियो लेकर के आने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं ये जो वीडियो लेकर के आई हूँ यह बहुत ही खुशखबरी का विषय है, यानी कि कुछ बहनों के चेहरे पे इतनी खुशी आई है कि उन्होंने होली का जश्न धूमधाम से पहले ही मना लिया। बेहद खुशी के साथ बहुत सारी बहनों ने अपने अपने ब्लॉक में इकट्ठा होकर के, अपने अपने साथियों के साथ इकट्ठा होकर के बड़ी धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरी वीडियो बताती हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, तो आप लोगों को वो यूज़फुल जानकारी समझ में आएगी और आप लोगों को पता चलेगा कि यह जो जानकारी है किस राज्य की बहन के लिए है और क्या खुशखबरी उन बहनों को मिला है। क्या उसी प्रकार से हमें भी जल्द खुशखबरी मिलने वाली है? क्या कोई उम्मीद है कि हमें भी वो खुशखबरी मिलेगी? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाहो कि ऑनलाइन समाधान हेतु सियान हेल्पलाइन सेंटर एवं टोल फ्री नंबर की स्थापना की जाएगी, इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए नवा पिलर योजना प्रारंभ की जाएगी, इसके लिए 25 लाख का प्रावधान है। ग्रामोद्योग, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान चांपा के भवन निर्माण एवं प्रयोगशाला उपकरण क्रय हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। लोक निर्माण, प्रदेश में अधोसंरचना विकास एवं पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में कुल 7,651 करोड़ का प्रावधान है। राज्य मार्गों के निर्माण हेतु 180 करोड़, मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 368 करोड़, ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 735 करोड़, वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण हेतु 629 करोड़ तथा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,377 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित है, इसमें 1,081 सड़क कार्य हेतु 579 करोड़, 272 वृहद एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 149 करोड़ तथा 24 नवीन शासकीय विश्राम गृह निर्माण के लिए 9 करोड़ का प्रावधान है। 50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण सर्वेक्षण भू अर्जन एवं यूटिलिटी कार्य हेतु कुल 29,95,00,000 का प्रावधान है। विभिन्न शासकीय भवनों जैसे स्कूल कॉलेज स्वास्थ्य केंद्र आंगनबाड़ी इत्यादि को पक्की सड़क से जोड़ने हेतु पहुंच मार्ग निर्माण के मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 150 करोड़ का प्रावधान है। एशियन विकास बैंक की सहायता से निर्माणाधीन सड़क विकास परियोजना के लिए 793 करोड़ का प्रावधान है। एडीबी फेस 4 परियोजना अंतर्गत 17 सड़कों के सर्वेक्षण एवं नवीन कार्य के लिए नवीन मद के रूप में 43 करोड़ का प्रावधान है। नाबार्ड की सहायता से ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है। रामगम वनगमन पथ के मार्ग में पर्यटन के दृश्य से विकसित करने तथा मार्गों पर संकेतकों व प्रतीकों के विकास के लिए नवीन मध्य में 2 करोड़ का प्रावधान है। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में प्रवाहित खारून नदी पर रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, इसमें नदी के तटों पर पक्के निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार पूरे तट क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, इस हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर के जी रोड पर शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।
रायपुर में तेलीबांधा फ्लाईओवर के निर्माण हेतु नवीन मद में प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2022-23 का पुनरीक्षित एवं 2023-24 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 1,04,000 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1,12,708 करोड़ है। इस प्रकार बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 8% की वृद्धि अनुमानित है। पुनरीक्षित प्राप्तियों में वृद्धि को देखते हुए कुल व्यय का बजट अनुमान 1,04,000 करोड़ से बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान 1,12,708 करोड़ प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 में 1,21,500 करोड़ की कुल प्राप्ति का बजट अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में अनुमानित बजट प्राप्तियों से 17% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य के राजस्व प्राप्तियां 56,200 करोड़ और केंद्र से प्राप्तियां 49,800 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 15,000 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग का आकार 1,32,370 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋण की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1,21,500 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 1,02,501 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 18,660 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय का 15.36% है। प्रदेश में